नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक टुडे न्यूज में। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आज उमस से भरी गर्मी से काफी लोगों को राहत मिल सकती है। आज यानी जो है मंडे और रविवार को काफी अच्छी बारिश हुई, और रविवार के बाद मंडे जो है मंडे से लेकर ट्यूजडे तक काफी अच्छी बारिशें बताई जा रही है। यानी 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक दिल्ली के अंदर लोगों को उमस से राहत मिलेगी, काफी अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली व आसपास के इलाकों पर शनिवार के दिन भी उमस बढ़ रहा, रविवार का दिन भी उमस बढ़ रहा, और सोमवार मंगलवार और बुधवार को काफी अच्छी बारिश की संभावना बताई जा रही है। साथ में आपको बता दें कि कर्नाटक के लोग दाने दाने को तरसते रहे हैं, रात के लिए आई खाद्य सामग्री सड़ती रही। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के अन्य देशों के कई राज्यों में बारिश का कहर बनकर टूट रही है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 631 निवासियों को भी जान गई है। राज्य में 9816 घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, जबकि कुल 231 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एनडीआरएफ और एमडीआरएफ के अलावा स्थानीय प्रशासन राहत बचाव में जुटा हुआ है। 85 से अधिक लोगों की जान बचाकर उन्हें अस्थायी राहत शिविर में आश्रय तक पहुंचाया गया है। जी हां, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के आसपास के गांवों और सड़कों से संपर्क टूट गया है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के कारण वहां पे कभी भी जो है भारी नुकसान हो सकता है, इस वजह से इलाकों को खाली किया गया है। जी हां, आप क्या सोचते हैं अपने एरिया के मौसम के बारे में, जरूर इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की वीडियो को लाइक और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें सबसे पहले मिल पाए।